Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel with another vlog. I hope you all are doing good. हम लोग बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह पाक सबको खैर खैरियत से रखें, सबकी तमाम मुश्किलें परेशानियाँ बीमारियाँ दूर करें, आमीन. सो द सीन इज़ कि आज जब मैं उठी तो मुझे लगा कि यार बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात किए हुए, तो आज व्लॉग बना लेते हैं. और मुझे क्योंकि इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी व्लॉग बनाने की, क्योंकि मैं रोज़ बनाती थी, तो अब मुझे लगता है देर इज़ समथिंग मिसिंग. बट स्टिल यार बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए मैनेज करना, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है. होपफुली वी विल गेट बैक टू द रूटीन अगेन और मैं मे बी दोबारा से बनाना शुरू कर दूँ. एनी वेज व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें. सो यस नाउ लेट्स स्टार्ट द डे. मुनीहा नंदी अभी सो के उठी हैं और मैं अभी इनके हेयर ट्राई करूँगी, इनके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, इनको सारा रेडी करूँगी, देन वी विल गो डाउन स्टेयर्स. हम लोग नाश्ता बनाएंगे और अपनी रूटीन कंटिन्यू करेंगे. आज मुनीहा की कुरान पाक की क्लास की छुट्टी हो गई है क्योंकि इसकी टीचर आई गेस कहीं पर बिजी हैं. और बस ये हम लोग के सीन्स हैं सो फार. अंजश अंजश से हेलो गाइज एंड अस्सलाम वालेकुम. मुनीहा आपने भी नहीं बोला हेलो गाइज. अंजश हाउ आर यू? Good. Are you good? Good. Okay. So guys, we are ready for the day and now we are going to go down to the bye. Get you. Hurry up, Andrish, let's go. Bye. 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 वो अंजश की क्लेडो है या आपका क्लेडो है? अभी मैं फटाफट नाश्ता बनाऊंगी और इनको मैंने कल क्लेडो लेके दी थी, अभी ये लोग इसका खेलेंगे. और हमारी मशीन ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है. मैंने कल मशीन लोड की थी सुबह उठ के, मैंने फौरन कपड़े सारे सबसे पहले जब मैं हीटिंग सिस्टम चलाने आई थी तो ड्रायर में डाल दिए थे. और अब इसका काफ़ी देर हमें शोर सुनना पड़ेगा जब तक हमारे कपड़े ड्राई नहीं हो जाते. मैंने यहाँ से बिस्मिल्लाह the short turn. Hello guys, happy Wednesday. And अब मैं स्कूल जा रही हूँ क्योंकि मैंने एक दिन छुट्टी की थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी. अब मैं थोड़ा सा बैठे रहूँ इंशाल्लाह. इंशाल्लाह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है. अल्हम्दुलिल्लाह. And so now it's so windy outside और मैंने फ्रॉक पहना हुआ है इसलिए मैंने साथ में कोट भी पहना. अभी आप जैकेट पहनोगी देन वी विल लीव. ओके चलो लेट्स गो. सो वी हैव ड्रॉप्ड मुनीहा एट स्कूल और आज घर जाके मैंने कुकिंग भी करनी है, तो थोड़ा सा बिजी डे होगा मेरे लिए. नमाज भी पढ़नी है और जब कुकिंग करनी होती है ना फिर मुझे लगता है कि आज बहुत ज़्यादा मेरा काम है. और यार आजकल मैं व्लॉग्स नहीं बना रही लेकिन इतनी कोई मैं बिज़ी रहती हूँ सारा दिन, इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ कि मैं बता नहीं सकती. और पता नहीं क्यों मतलब मुझे एक मिनट भी बैठने का दिल नहीं कर रहा होता. पहले फिर भी मैं टाइम ज़ाया कर देती थी लेकिन आजकल ना बस बहुत ज़्यादा एक्टिव सीन है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, कल पे कोई काम ना छोड़ो. तो बस आज कुकिंग करनी है. ऑल दो मैंने कल भी की थी, कल हम लोगों ने राइस बनाए थे वो भी हैं, चिकन भी पड़ा हुआ है, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि सीख कबाब की हांडी बना लेते हैं थोड़ी सी. तो अभी जाके बस हम लोग कुकिंग करेंगे, नमाज वगैरह पढ़ेंगे और अंजश को हैंडल करेंगे साथ साथ, क्योंकि अंजश जो है ना वो एक मिनट के लिए आराम से नहीं बैठती और इसको साथ साथ मेरी कंपनी चाहिए होती है जिसकी वजह से मेरे काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं. और वेदर का कुछ ये सीन है कि काफ़ी अच्छा हो गया था
लेकिन एक दो दिन से फिर थोड़ी सी ठंड हुई हुई है, इतना ज़्यादा कोई बैड सीन नहीं है या पता नहीं, अब हमें लगती नहीं है। जब हम लोग पाकिस्तान से वापस आए थे तो यार इतनी ज़्यादा ठंड लगती थी जिससे कोई हद नहीं है, बट अब शायद हम लोग यूज़ टू हो गए। और ये बर्ड्स ना रोज़ पानी में नहा रहे होते हैं, जैसे ही पास जाती हूँ ये उड़ जाते हैं। और मैं रोज़ ट्राई करती हूँ इनको कैप्चर करने की, और आज मैं रुक ही गई हूँ ताकि ये लोग पहले अपने गोते मार लें और फिर मैं आगे जाऊँ। अब मैं इनका वेट करूँ या मैं गुजर जाऊँ, जैसे ही मैं चलूँगी तो ये उड़ जाएंगे सारे। यार कितने क्यूट लग रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं बर्ड्स? नानी धोनी कह रहे हैं। अंजुष को भी पता है कि बर्ड्स इस टाइम नानी धोनी कह रहे हैं। तो सीन इस के अब बिल्कुल ठंड नहीं लगती, ऑल दो एक दो दिन हो गए फिर टेम्परेचर थोड़ा सा हमारे पास ना ड्रॉप हुआ है, लाइक रात का दोबारा से 1-2 पे चला गया है। पिछले दिनों में 6-7 तक होता था रात का, तो बिल्कुल भी ठंड फील नहीं होती थी। खैर एनी वेज अभी हम लोग घर पहुँचने वाले हैं और यही हमारे कुछ सीन्स हैं। और आज के दिन में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होगा, बस घर के काम और रूटीन ही होगी। और व्लॉग मैं ऐसे बना देती हूँ यार, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना उन्होंने देखना होता है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहेंगे कि यार क्या बोरिंग सीन है, सारा कुछ है, लेकिन जो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, ये सिर्फ उनके लिए ही है। और बाकी जिसको नहीं देखना आप गुजर सकते हैं देखे बगैर, कोई इशू नहीं है। न्यू चप्पल हैं शोस, वाओ दे आर सो क्यूट। अंजुष के न्यू चप्पल्स हैं जो इसने हर टाइम पहन के रखने होते हैं बेड पे सोफे पे, हर टाइम इसने पहनने हैं। वेयर आर यू गोइंग? आई हैव स्टार्टेड कुकिंग। अंजुष को बिठा के आई होप कि अंजुष बैठी ही रहे और मैं अपने सारे काम कर लूँ। साथ साथ मैंने किचन भी साफ़ करना है, ड्रायर से मैंने कपड़े सारे निकाल लिए हैं, ये मैंने ऊपर छोड़ के आने हैं। कल मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल में सारी क्लीनिंग की थी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिर मुझे वैक्यूम क्लीनर चलाना पड़ेगा। तो ये कुछ अंजुष के हालात हैं, इसको मैं बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाना चाह रही, नहीं तो ये उठ के मेरी तरफ आ जाएगी। अभी तक तो ये बैठ के अपना जूस और चिप्स खा कर कार्टून देख रही है। तो हम फटाफट अपने काम पूरे करेंगे और फिर उसके बाद आई विल ऑफर प्रेयर, और तब तक मनीहा को लेने जाने का टाइम हो जाएगा। खाना मेरा बन गया और अब हम लोग करेंगे इसको स्मोक फटाफट। और अंजुष ने पीछे पता नहीं क्या दवाइयाँ मचाई हुई हैं, पर अब काम ख़त्म करके ही मैं अंजुष को भी देख सकती हूँ। एंड वी आर डन। शुक्र है कि मेरे सारे काम टाइमली ख़त्म हो गए और अब हम लोग आ गए हैं मनीहा को लेने। और अभी जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो बाहर बारिश स्टार्ट हो गई थी और उसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो रही थी कि यार अब क्या होगा और हम लोगों को मुश्किल में ही जाना पड़ेगा मनीहा को लेने, क्योंकि फिर बहुत मसला बन जाता है यार, अम्ब्रेलास पकड़ो। और मनीहा भी फिर स्कूटी पर नहीं आती, पर शुक्र है कि अब रुक गई है। थोड़ा बहुत कोई सीन है जैसे थोड़ा स्प्रे टाइप सीन चल रहा होता है, लेकिन इट्स ओके। और एहतियातन हम लोगों ने दो अम्ब्रेलास भी रख ली हैं जो कि अंजुष पकड़ के बैठी हुई है, यस अम्ब्रेलास। और इन केस अगर बारिश स्टार्ट हो गई तेज़ वाली तो आई विल गिव 1 to Maniha एंड 1 to Anjush और फिर मेरी खैर है, क्या हो सकता है। हाँ यस आप पास अम्ब्रेला एंड अंजुष अम्ब्रेला। अस्सलाम वालेकुम, गिव मी योर बैग। स्कूटी लेके आए? मामा मैं बहुत थक गई हूं। क्यों? ये इतना काम करा तो मेरे बाजू घुटे एकदम बम की तरह फारीक हो गए। बम की तरह फारीक हो गए आपके बाजू और घुटने इसी एज में? क्या काम किया ऐसा आपने? इतना ज्यादा खेला मार मार के। अब इसमें मेरी तो कोई मिस्टेक नहीं थी ना?
तो आप कहती कि मैंने नहीं खेलना। नहीं टीचर तो ना उठाती, चलो लेट्स गो इनसाइड। अंजुश के मोस्ट फेवरेट न्यू चप्पल जो कि अंजुश उतार ही नहीं रही। आ जाओ काम है, शो अस योर शूज, करीब आके दिखाओ ना, नजर नहीं आ रहे। मैं अंदर जा रही हूँ, आप लोगों ने आना हुआ तो आ जाना, ठीक है? या अल्लाह मनीहा, मनीहा आज अंजुश को लंच नहीं देते। नहीं दूंगी। दे दी आपको? नहीं बोला आपने, कब बोला है? बच्चों का मेरे अभी तक सोने का कोई मूड नहीं था, सो ओके वट एवर। सो यार मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम मैं अपने काम कर लूँ। पहले मैंने ऐसा कि नमाज पढ़ी, उसके बाद जो है ना मैंने फटाफट वैक्यूम क्लीनर चलाया है, और अब मैं सोच रही हूँ कि कल हम लोग का गार्बेज कलेक्शन डे है, तो मैं अपना सारा ये वाला सीन जो है ना बाहर फेंकाऊँ, बजाय कि मैं लेट नाइट जाके ये काम करूँ, तो मैं ये अभी कर लेती हूँ। और इफ़ यू गाइज रिमेंबर, तो मैंने कहा था कि यार यहाँ के लिए ना हम लोग एक बास्केट लेंगे, तो वो बास्केट भी मैं ले आई थी, और इसके ऊपर मैंने ये मतलब इसके अंदर मैंने ये शॉप पे चढ़ाया हुआ है, जैसे हमें आदत होती है यार पाकिस्तान में हम लोग अपने डस्टबिन के अंदर लाइनर्स लगाते हैं, तो इसके अंदर मैंने ये शॉप पे चढ़ा दिया था। ये पिक्चर में तो शायद इतनी बड़ी ना लग रही हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने ये फिर ले ली। और ये यहाँ पर बहुत ईजिली फिक्स हो जाती है इस जगह में, और ये जो है ना हैवी फ्लेक्सीबल वाली, लाइक ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है। सो इसको भी हम बाहर खाली करेंगे, और ये डब्बा भी साथ उठाएंगे, और उसके बाद मैं बच्चों को ऊपर लेके जाऊँगी सुलाने के लिए। लेट मी शो यू गाइज, हम लोगों की ये वाली बास्केट जो है ना ये ऑलमोस्ट हर वक्त फुल ही होती है, और कल ये एम्प्टी हो जाएगी। और अभी मैं अपनी ये वाली बास्केट जो है ना ये सारी इसके अंदर खाली कर दूँगी, और मेरे से ना ये एक हाथ से नहीं हो रहा, कुछ नीचे ही ना गिर रहा है। एंड वी आर डन, अब हम इसको बंद कर देंगे, और हमारे पास हो रही है बारिश, इफ़ यू गाइस कैन सी ऑन द डस्टबिन, सही जैसे स्प्रे वाला सीन होता है ना उस तरह की बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग बहुत हल्की हल्की सी। खैर अब मैं फटाफट बच्चों को सुलाऊंगी, ऑलरेडी इट्स सो लेट। सो के उठ के हैं, और उनके लिए भी मैं फ्राइज़ और नगेट्स बनाऊंगी, और साथ ही फटाफट मैं आगे के लिए रोटी बनाऊंगी। आके भी वापस आ गए हैं, और आके भागे सो गए थे, तो अभी हम लोग बनाने लगे हैं रोटी, और खाने पीने का सिस्टम होगा, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ यार कि मैं अंजिश को शॉवर दिला दूँ। बहुत दिनों से मैंने गार्लिक ब्रेड नहीं खाई, तो भी मेरा दिल कर रहा था गार्लिक ब्रेड बनाने का, और मुझसे पहले भी पूछ रहा था कि गार्लिक ब्रेड कौन सी है, तो यार ये तो मैंने बड़े अजीब तरीके से इसका खोला है, ये वाली गार्लिक ब्रेड है, और ये हम ऐसे ही लेके आते होते हैं, तो इसको भी मैंने लगाया है प्री हीट होने के लिए, जब ये हो जाएगा तो इसके अंदर मैं रख दूँगी। और रोटी भी एक हम लोगों की बन गई है, और एक और बनानी है मैंने। गार्लिक ब्रेड भी हम लोगों की रेडी हो गई है, अभी इसको मैं स्लाइसेस में करूँगी और सबको दूँगी। अंजुश की ये फेवरेट है, मैंने यहाँ कोई इतने शौक से नहीं खाती। अंजुश क्या खा रहे हो? मैंगो जूस पिज्जा, और नगेट नहीं खाना आपने? यू डोंट लाइक नगेट? अगर आपने ना खाया तो पापा को दे देना, ओके? पापा को दे दूंगी, इसमें रख दो पापा की प्लेट में, पापा ये नगेट खा ले। किचन सारा मैंने साफ़ किया है,
और उसके अलावा मैंने सिटिंग एरिया भी सारा फटाफट सही किया बच्चों को और आकिब को ऊपर भेज के, और अभी मैंने बनाई है आकिब के लिए और अपने लिए ग्रीन टी, मतलब बनाई नहीं है, मैं बना रही हूँ, और इसके बाद मैं फटाफट ऊपर जाऊँगी, फिर लेट्स सी के उसके बाद मैं क्या करती हूँ। मैंने अंदर को शॉवर दिलाना था लेकिन वो मैंने नहीं दिलाया, पहले मैं बैग्स डाल लूँ उसके बाद मैं पानी डालूँगी। आकिब की ग्रीन टी में मैं थोड़ा सा हनी ऐड करूँगी और ख़ुद मैं ऐसे ही लूँगी विदाउट एनीथिंग। आर यू रेडी ना? नानी हो गई आपकी? अंदर ने कौन सा फ्रॉक पहना है? ये बाजे। एकॉम। चलो जल्दी से एकॉम करो। गुड जॉब। सो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ऊपर आके मैंने अंजश को शॉवर दिलाया और अभी मैंने इन लोगों को लिटाया है। आई होप ये लोग सो जाएं। एंड यस, सी यू गाइस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।